बस आज एक निकले हैं एक नई जंग के लिए। जंग क्या है, इसमें थोड़ी सी एक मॉडिफिकेशन कराएंगे थोड़ी क्या, मैं तो लाइट वगैरह सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, पर आज मैं सोच रहा हूँ, मेरा बहुत दिन से मन था कि यार इसके अंदर टेल टाइडी लगवाऊँ, टेल टाइडी लगवाऊँ। सीन जानते हो क्या है, सीन ये है कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, तो जो ऑफिशियली इसकी वीडियो आई थी KTM की तरफ से, तो उसमें इसका टेल सेक्शन था ही नहीं। उस टेल सेक्शन में क्या सीन है, एक मिनट, ए भैया, उस टेल सेक्शन में क्या सीन है ना, मुझे इतना इसका जो पीछे वाला टेल सेक्शन है इतना कुछ खास जमा नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर टेल टाइडी लगवाऊँ। और अभी जा रहे हैं अंशुल भाई की दुकान पे, टेल टाइडी इसके अंदर लगवाएंगे। ओ भाई, थोड़ा पावर का लुक उठाते हैं भाई, फेंकने को राजी हो जाती है, इसको कस की ना पकड़ू ना मैं, देख रहे हो, ओ तेरी भला हो बे भाई। मेरी गाड़ी है, मेरी नहीं मानती है, मशीन है भाई, इसको जैसा ऑर्डर दोगे वैसे ही काम करेगी, अपने मन से थोड़ी ना कुछ करने लग जाएगी। ओ वे स्पिन हुआ था हल्का सा, ओ भाई सही है सही है। और टेल टाइडी लगाने के बाद तो मज़ा ही आ जाने वाला है इसके अंदर, क्योंकि टेल टाइडी मैंने एक दो की लगी हुई देखी है, मज़ा आ गया एकदम, क्योंकि इसका जो टेल सेक्शन है वो पंखुड़ी संखुड़ी सी बनी हुई है। पहले वाला जो टेल सेक्शन था मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता था, वो पतली सी डंडी आती थी ना, अब वो चली गई बेचारी। गर्ल्स वो जोमेटो वाले भाई फुल्ली इनविन कर रहे हैं, अरे रोक लिया इन्होंने। मिरर मैंने ऑलरेडी लगवा लिए, तीन चीज़ें जो मुझे लगवानी है, मोबाइल फ़ोन होल्डर लगवाना है, अब जहाँ पे जगह नहीं मिलती क्योंकि यहाँ तो मैंने इंस्टा का मामला फिट करा रखा है, और इसकी भाई हेडलाइट, इतनी गंदी हेडलाइट है ना भाई, कसम से इतनी गंदी हेडलाइट है, मेरे को गुस्सा आ रही है हेडलाइट को लेके, तो मैं इसको फटाफट HJG की लाइट लगवाऊंगा इसके अंदर, मिनी छोटी वाली, तब मेरा काम आएगा, वरना ऐसे तो मेरा काम आने से रहा। 2600 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, ओहो गर्मी ने तो भाई हालत ख़राब कर दी रे, और जबकि नवंबर में तगड़ी ठंड हो जाती है, पर ठंड नहीं हो रही इस बार, गाड़ी भी थोड़ी सी गंदी हो रही है, निकाली नहीं थी काफ़ी दिनों से, चलो वो सारी चीज़ें लगवाएंगे, और इंडिकेटर देखता हूँ मैं कैसे फिट करवाऊँगा कैसे नहीं करवाऊँगा, दो चार चीज़ें मैंने और सोची हैं, वो भी मैं जल्दी करवाऊँगा। इसके जो अलावा हैं वो कार्बन फाइबर करवाने की सोच रहा हूँ मैं, अब जो इसके जो पूरी गाड़ी है अब आपको शायद ऑल ब्लैक मिले देखने के लिए, कार्बन फाइबर के साथ फुली कार्बन फाइबर्ड, सारी चीज़ें इसकी चेंज कर दूंगा मैं सारी। चलो भैया भूल गए क्या गाड़ी चलाना। एक तो ये पूरा सा ये पहन लो ना, नकाब पोश बन जाओ, इतनी गर्मी लगती है पूछो ही मत, हेलमेट उसके अंदर बाला कलाबा, ये ग्लव, फिर जैकेट, शूज, अरे भैया ना जाने क्या तेरी माया। देखो यार मैं एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में पड़ा नहीं इस वाली में कि ये जो अपनी नई वाली 390 का इंजन सीज़ का ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये जो चल रही है ये सारी चीज़ें, मैं इसको कंट्रोवर्सी में पढ़ने नहीं चाहता, क्योंकि मेरी गाड़ी तो देखो भाई ठीक चल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो उन भाई की गाड़ी ख़राब हुई इस चीज़ में आप लोगों को एक चीज़ समझने वाली है कि जो इंजन है ना, कोई से भी गाड़ी का इंजन हो, मैं पर्टिकुलर KTM को ब्लेम नहीं कर रहा, जो इंजन है कोई भी आप पहला स्लॉट निकालते हो ना किसी भी गाड़ी का, मान लो अपाची RTR हो गई लो, आप उसका भी पहला स्लॉट देखोगे ना, तो कोई ना कोई एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जिसमें उसको प्रॉब्लम होगी, फिर वो चीज़ें कंपनी ऑटोमेटिक रिसॉल्व करके देगी। तो नई गाड़ियों में ये चीज़ें हो जाती हैं, आप यूट्यूबर नहीं हो, इन्फ्लुएंसर नहीं हो, गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं रखते हो, तो आप थोड़ा सा वेट करके, एक डेढ़ महीने दो महीने वेट करके, आप जो सेकेंड स्लॉट की गाड़ियाँ हैं उस गाड़ी को उठाओ, आप वाली गाड़ियाँ लो, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। फर्स्ट स्लॉट में तो भाई 100 में से एक ना एक बंदा तो ऐसा होता है जो फंस जाता है बेचारा, उसके पैसे ख़राब जाते हैं या उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, थैंक गॉड मैं उनमें से नहीं हूँ, टच वुड ऐसा ही रहे। आप लोगों को मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे कॉन्टिनेंटल थी, आंटी तो देखी भी नहीं पीछे भाई कि यहाँ पे कोई इंसान भी आ रहा है, कॉन्टिनेंटल GT 650 थी, उसके इंजन में प्रॉब्लम आई थी, लोगों को बुला के इंजन रिप्लेस हुए हैं भाई, अब इसका मतलब क्या कॉन्टिनेंटल बिक नहीं रही है, सब बिक रहा है। और ये नहीं कि मेरी गाड़ी है ये ड्यूक, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ये देखो ये जो इनिशियल थंप है ना, आप इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में ले आओ, भले पुरानी वाली ड्यूक 390 में भी ले आओ, अगर मिल जाए तो बात रही, मुझे तो मिलने का नहीं, चलो
आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे अंशुल भाई की शॉप पे भी पहुँच गए। और यहाँ पे आने का एक रीज़न ये है कि इनके पास जो टेल टाइडी है ना, वो मेरी फेवरेट टेल टाइडी है, एकदम क्रॉस में आती है, वो स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं लगती, इसलिए मैं यहीं से टेल टाइडी लगवाता हूँ। चलो अंशुल भाई का देखते हैं, अंशुल भाई है कि नहीं है। V3 के चकाचक लग रही है पूरी ऑल ब्लैक करके। कहाँ है? राम राम। चलो जी, ललित से खाना है। सही है सही है, बढ़िया। बस भाई, और राल भाई कैसे हो? आपसे ही मिलने आया आज, आपसे एक बहुत इमरजेंसी काम था। ये अपनी जो नॉर्मल टेल टाइड आती है वो तो हम लोगों ने निकाल दी, उसके एडवांटेज अलग है, उसके डिसएडवांटेज अलग है, वो चीज़ें देख लेना। और बहुत इजी काम है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है, बस एक भी रोल डाल देता हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। सिंपली दो प्लग खोल लें आपकी, ये जो टेल टाइडी है ये वाली, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके ऐसे फिट हो जाएगी। आप जितना ऊपर करना चाहे, जितना नीचे करना चाहे कर लो। इसके डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, मैं तो रिकमेंड करता नहीं हूँ, पर जिनको मॉडिफिकेशन के तौर पे करवानी है वो आप लोग करवा सकते हो। और ये इसकी नॉर्मल, और कभी भी इंडिकेटर लगवा रहे हो नई गाड़ियों में तो प्लग एंड प्ले वाला ही सीन रखना, ये मत सोचना तार वार कटवा दो। तो KTM तो ऐसी है कि वारंटी आउट करने में समय नहीं लगाएगा मिनट से पहले, और आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह भी चल रहा है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहना। और लुक तो पहले से ज़्यादा फार बेटर हो गया, या मेरे को आदत नहीं है अभी ऐसे देखने की, और बढ़िया लग रही है। अब दो चार चीज़ें जो पूरी गाड़ी में, एक तो अलॉय मेरे को कलर कराने हैं कार्बन फाइबर में, और बाकी अगर बॉडी रैप हुआ तो वो भी मैं जरूर जल्द से जल्द करवाऊँगा। बस दूर से देखो क्या मस्त लग रही है, टेंशन है। बंदे लोग को फ़ोन कर लड़के लोग को, तू घर जा। और लड़के लोग को लेके आ, लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को फोन कर। बेबी तू पहले घर जा, बेबी तू पहले घर जा, तुम्हारा भंडारा हो रहा है। टेंटन डिग 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 ड
बाद यहाँ पे मैं अपनी लाइट को सेट करवा रहा हूँ इधर की तरफ, इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट भी कर लूँगा ऐसे करके, और अपना काम हो जाएगा। टेल टाइडी मैंने ऑलरेडी लगाई ली थी, ये रही बस। भाई वायरिंग मत काटना ना कोई सी भी, वायरिंग कटी हाँ इसकी वारंटी आउट हो जाती है नहीं तो। चलो, और ये मेरे R15 वाली वो लाइट हैं जो मैं अपनी R15 में चलाता था, क्योंकि अब उससे तो टूर में मारूंगा नहीं, टूर में अपनी शेर से मारूंगा, ड्यूक से। भैया इसका मुंडी खुल गई, वही वाला लगाओ ना जो भी दिखाया था मेरे को बटन, वाटरप्रूफ है ना, ठीक है। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, इसलिए मैं शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ किस चीज़ के मेरे कितने पैसे लगे, और आप ये सब चीज़ें करवाते हो तो आपके कितने पैसे लगेंगे, और उन चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए जिससे आपकी वारंटी आउट ना हो वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई टेल टाइडी पे मेरा मन 50-50 था, क्योंकि जो पहले वाली टेल टाइडी थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसमें जो फरसे लगे हुए थे ना मज़ेदारी नहीं आ रही थी, क्योंकि जब गाड़ी के स्पायर शॉट आए थे या गाड़ी जब रिवील हुई थी तो उसमें टेल टाइडी दिखाई नहीं गई थी, और जो इन्होंने दी वो मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगी। पुरानी वाली ड्यूक 390 की मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैंने ये वाली टेल टाइडी लगवाई है। इसमें लोगों के ना मिक्स ओपिनियन आ रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को अच्छी लग रही है कुछ लोगों को नहीं अच्छी लग रही है, मेरे भी मिक्स ओपिनियन है, मेरे को भी अभी ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, पर हाँ जब पीछे से चलते हैं ना, या पीछे से अगर मेरे पास एक आध रनिंग शॉट हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पीछे से जब ये चलती है तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के मिक्स ओपिनियन आ सकते हैं उस चीज़ों पर। भाई आप लोगों की पसंद है, आप लोग करवाना चाहो तो करवा लेना, ये चीज़ तो रही ऑप्शनल, मैं तो रिकमेंड करता नहीं हूँ कि आप लोग लगवाओ, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। और एक घाटा मैं और बता दूं, अगर आप ये मैग्नेट वाली लगवाते ना तो उसके ऊपर भी चलान है, ये वाली मैग्नेट वाली नहीं है। और मैग्नेट वाली का एक फायदा, एक घाटा और है, जब मैग्नेट वाली आईडी टिल्ट आईडी लगवाते ना तो जो कीचड़ होती है मैग्नेट पे चिपक जाती है, तो उसकी जो चिपकने की क्षमता है ना वो भी कम हो जाती है, और वो टिल्ट आईडी बजने लग जाती है। दूसरा, पुलिस वाले भी पकड़ के चलान काट सकते हैं, क्योंकि वो चोर वगैरह करते हैं, जो करते हैं ना हवाबाजी, मैं बोल नहीं रहा उन लोगों को, पर पुलिस वाले ऐसा समझते हैं। ये रही फर्स्ट। सेकंड, मैंने मिरर लगा रखे थे वो भी मैंने निकाल दिए, क्योंकि उसका जो यहाँ का नट है ना वो वाइब्रेट हो के गिर गया था, तो वो नट मुझे अभी तक मिल नहीं पाया, थोड़ा सा लंबा नट है। हटो बच्चों चल। और सबसे मेन चीज़ भाई देखो, अभी मैं पहले एक नॉर्मल यहाँ पे क्लिप आपको मैं बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ क्लिप, कि
इसकी जो स्टॉक लाइट है ना वो एकदम निहायती बेकार है। आप टूर वगैरह करते हो या आप टूर वगैरह करना चाहते हो, आपकी थोड़ी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर रहती है रोड के विजिबिलिटी के मामले में, तो भाई डेफिनेटली आपकी ये जो लाइट है ना किसी भी काम में नहीं आने वाली है। स्कूटी की जो लाइट होती है ना जुपिटर की, वो भी इससे फार बेटर है। तो भाई मेरे ओपिनियन में तो ये लाइट से बेस्ट कुछ भी नहीं है। लुक भी आप लोगों का इन्हेंस हो जाता है। और इसमें दो ऑप्शन है, एक बार दिखाना भाई। ये रे बहुत अच्छा है, ये रात वाली मैं क्लिप अटैच कर रहा हूँ, आप उसमें देख लेना, बढ़िया है। अब वाइट जलाना का मन है, वाइट जला लो। सर्दी आ गई है, मौसम थोड़ा सा अंधेरा वाला होने लग गया है, तो आप येलो भी चला के चल सकते हो। लो बीम करनी है तो येलो जला लो, हाई बीम करनी है तो वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। इसकी कॉस्ट की बात करूँ, मैंने तो नई नई लगवाई है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ी हुई थी। लगवाने जाओगे 1200 रुपये की आती है, 200-300 रुपये लेबर लगाने मिलेगा, 250 रुपये का आपका ये वाला बटन लगेगा। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये वाला बटन लगाओ क्योंकि ये होता है वाटरप्रूफ, तो बारिश में भी अगर आप चला रहे हो तो कोई भी वायरिंग वगैरह में शॉर्टेज नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़, कभी भी कोई तार मत कटवाना, तार कटवाओगे तो आपकी जो कंपनी की वारंटी है वो आउट हो जाएगी। कंपनी की वारंटी समझते हो ना, जो इंजन वारंटी मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है, वो सारी की चीज़ें आउट हो जाएंगी। तो 1500 रुपये 2000 के लमसम ये सारी चीज़ें हो गई। और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, इसमें भी आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप इंडिकेटर लगवा रहे हो तो इसकी भी वायर ना कट करवा के आप इसका प्लग एंड प्ले वाला सीन करवाएं, तो आपकी जो वारंटी है वो एज इट इज़ सेम रहेगी। तो बस यही बहुत छोटी वीडियो, बड़ी नहीं कर रहा, 10-11 मिनट की होगी और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी है और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वाली है, तो आप लोग देख लेना। और कल रात को 9 बजे आपको इसका एक टूर वाला व्लॉग दिख जाएगा, मैं इससे लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ तो आप लोगों को वहाँ डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। और मैं सारी चीज़ें इन गाड़ियों से, इन मॉडिफिकेशन से, या इस गाड़ी के अंदर क्या खासियत है, या पहाड़ों पर सूटेबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को उस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।